मेरा मानना है कि इम्फाल से लेकर के गुवाहाटी तक और कोलकाता से लेकर के पटना तक पूर्वी भारत के विकास का नया ऊर्जा केंद्र बनना चाहिए और यही हमारा विजन और यही हमारा अप्रोच है। इस विजन पर चलते हुए पिछले 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले 1.5 वर्ष में असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम अब और बेहतर तरीके से दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश में कुछ बदल नहीं सकता की सोच अब बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा ने ले ली। साथियों, जो गरीबी में पला बढ़ा है, जो गरीबी के कष को सहते हुए आगे बढ़ा है, उसे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बीमारी का इलाज। जब कोई एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ तो पूरा परिवार लंबे समय तक आर्थिक संकट से बाहर नहीं आ पाता है। गरीबों को इस संकट, इस चिंता से मुक्त करने के लिए हम देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को चिन्हित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना के कारण टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हॉस्पिटलों की चेन बनाने की संभावना बढ़ गई है। युवाओं के लिए यह एश्योर इनकम का जरिया बनेगा। इससे भारत के अंदरूनी इलाकों में पूंजी निवेश के बड़े अवसर पैदा होंगे। मैं राज्य सरकारों से भी और मैं देश भर की राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि नए हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए नई पॉलिसीज बनाएं। आयुष्मान भारत के अलावा भी सरकार ने अपनी 2 और योजनाओं के जरिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की सेहत से जुड़ी चिंता को बहुत कम किया है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना से देश के 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है, उन्हें बड़ी चिंता से मुक्त किया है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों पर 800 से ज्यादा सस्ती दवाइयों की बिक्री
और स्टैंड की कीमत में 85% की कमी, नीम प्लांट पर कीमत पर नियंत्रण, ऐसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। साथियों, आसियान देश हो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो, हम सभी एक तरह से कृषि प्रधान देश हैं। किसानों की उन्नति इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए हमारी सरकार देश के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य पर आज काम कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां एक तरफ सरकार का जोर इस बात पर है कि किसान खेती पर होने वाले खर्च को कम कर सके, वहीं किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिले, इस ओर भी हम एक के बाद एक कदम उठाते चले जा रहे हैं। इस वर्ष सरकार एग्रीकल्चर और ग्रामीण सेक्टर पर 14,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमने अभी 2 दिन पहले किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक और बड़े फैसले का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों का कम से कम 50% यानी कि 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित होगा। अलावा सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों का ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के तौर पर विकसित करेगी और उन्हें ईनाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा। भाइयों और बहनों, कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, उत्तर पूर्व में हूं, तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। साथियों, वैज्ञानिक तौर पर बांस घास की श्रेणी में आता है, लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दे दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। मुझे लगता है पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा इसके कारण नुकसान हुआ है तो वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ है। इतने वर्षों के बाद देश आजाद हुआ, कितने ही सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग करने के देश के लाखों किसानों, आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से नेशनल बांबू मिशन को
रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। साथियों, आज मैं एक और विषय पर भी बात करना चाहूंगा। इस धरती के महान सपूत भूपेन हजारिका, जब वो 13 साल की उम्र के थे, 13 साल की कम उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी थी और भूपेन दा ने कविता उस समय लिखी थी जब अंग्रेजों का शासन था। ये पूरा क्षेत्र, पूरा देश गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय सर्वे स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी ने कविता लिखी तो लिखा था, अग्नि जगो फिरिंगोति मोई नोतुन ओखम घोड़ीम हर बहार आर हर बस्व पुनौर फिरायानिम नोतुन ओखम ओडिम। और इसका मतलब होता है, अंगारे की तरह धधकते युग में मैं एक चिंगारी की तरह हूं, मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उन्होंने जो खोया है वो वापस लेकर आऊंगा। 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका का संदेश, मैं एक नए आसाम का निर्माण करूंगा। स्वतंत्रता से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए ऐसे लाखों करोड़ों वीर वीरांगनाओं के सपने पूरे करने का हम सब पर दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए हम सभी 2022 तक, जैसे हजारिका ने नए आसाम का सपना देखा था, वैसे न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी देश के विकास के नए ग्रोथ इंजन है और इनकी गति बढ़ने का मतलब है देश के विकास की गति बढ़ना। इसलिए हमारी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन, इस नीति पर जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा निवेश इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम कर रहा है। पिछले 3 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ रेलवे में ही औसतन 5,300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए गए, लगभग 47,000 करोड़ रुपए की राशि से नॉर्थ ईस्ट में 15 नई रेल लाइनों पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब अगरतला अखौड़ा रेल का काम पूरा होगा, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच रेलवे कनेक्टिविटी बनेगी, तो इसका पूरा फायदा पूरे क्षेत्र को होगा। सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब 4,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार अगले 2 से 3 वर्ष में 90,000 करोड़ रुपीस, 90,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रोड और नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री?